हमारी YouTube चैनल लाइफ टाइम स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल में हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो हमें देती हैं सीख जीवन जीने की, अपने विवेक को जगाने की और बहुत कुछ। आपको इंतजार रहता है हमारी कहानियों का, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कहानी कुत्ते और तोते की, मोती और जवाहर का कारनामा। दोस्तों, तो कहानी कुछ यूं है कि एक बुढ़िया थी, उसके कोई पुत्र ना था, अकेली रहती थी। घर गांव में ही था, थोड़ी खेती थी जिसे वे आधी बटाई पर उठा देती थी। इससे खेत का आधा अनाज उसे ही मिल जाता था। कम खर्च करते हुए आवश्यकता पर वह खाती पीती थी, तो फसल का कुछ अनाज रखकर शेष वो बेच देती थी। धीरे धीरे उसके पास 5,000 रुपए इकट्ठे हो गए। उस जमाने में गांव में, क्योंकि गांव छोटा भी था तो कोई बैंक भी नहीं था, इसलिए बुढ़िया वे अपने जो रुपए थे उसके उनको संदूक में रखकर काशीवास करने चली गई। पुराने जमाने का पुरखों का एक खरीदा हुआ जो संदूक, जो कि बहुत भारी था, जिसमें वे मोटा सा ताले डाले रखते थे। बुढ़िया ने काशी में अकेले रहने के कारण ऊपर सोचा कि अकेली हूँ, ऐसा करती हूँ एक तोते का बच्चा पाल लेती हूँ। तो उसने एक तोते का बच्चा पाल लिया और उस तोते के बच्चे को उसने राम राम बोलना सिखाया। तो दोस्तों, कभी कोई नया मनुष्य घर में आता तो तोता चट से बोलने लग जाता, राम राम राम, और ये कहकर चिल्लाने लगता। इससे बुढ़िया को पता चल जाता कि कोई घर में आया है। फिर उसने कुत्ता भी पाल लिया। उसे लगा कि कभी रात में गहरी नींद से वह ना जाग पाए तो कुत्ता तो घर की रखवाली करेगा, तो और इसी उद्देश्य से उसने कुत्ता पाला। कुत्ता था भी बड़ा बुद्धिमान, ऐसा सजग कि कोई अनजान व्यक्ति घर में घुस भी आए तो भौं भौं करके भागने लग जाता। मोहल्ले में दो चार लोगों को दोस्तों चोरी करने का जो आदत है वो लग गई और वो ये पाप करने लगे। उन्होंने सोचा बुढ़िया के पास एक अच्छी बड़ी धनराशि इकट्ठी हो गई होगी, रात में दीवार में सेंध काट कर इसका धन चुरा लेते हैं। तो चले दोस्तों रात में वे उसके यहाँ चोरी करने। घूप अंधेरा रात थी, कहीं भी पत्ता खड़क नहीं रहा था। रात का तीसरा पहर प्रारंभ हुआ था। बुढ़िया नींद में निश्चिंत सो रही थी। उसी समय चार चोरों ने उसके घर की दीवार में सेंध काटनी शुरू कर दी। कुछ आहट होते ही कुत्ते ने, जिसका नाम बुढ़िया ने मोती रखा था, उसने भो भो करके घर सिर पर उठा लिया। बुढ़िया तो बुढ़िया, कुत्ते की भौंकने से पड़ोसी भी चक गए। तब तक दीवार में सेंध लगाकर एक चोर ने सेंध के भीतर से घर के अंदर पैर डाला ही था दोस्तों कि तोता चीख उठा, राम राम राम, पढ़ो बेटा राम राम। उस तोते का नाम बुढ़िया ने जवाहर रखा था। फिर क्या था, बुढ़िया और पड़ोसी जब तक सैन तक आए, चोर सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। मोती कुत्ता फिर भी भौंकता रहा और जवाहर तोता मनुष्य जैसी बोली में राम राम, पढ़ो बेटा राम राम, ये चीखता रहा। बुढ़िया और पड़ोसियों ने जाकर दीवार के पास देखा, चोर सेंध काट चुके थे पर उसके पल्ले एक पैसा भी नहीं पड़ा। पड़ोसी ने कहा, देखो मनुष्य से अधिक तो ये जीव उपकार करने चुपता करना जानते हैं। मोती और जवाहर ने बुढ़िया को लूटने से बचा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? भाई, मेरे मत में तो ये कि आप हर किसी पे इंसान विश्वास करता है, लेकिन दोस्तों हम आदमी, ये जीव कहीं भी गद्दारी कर भी सकता है, लेकिन ये बेजुबान जानवर हमारे सदैव वफादार रहते हैं। वफादारी का मूल चुकाना कोई इनसे सीखे। तो दोस्तों, इसी कहानी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, और अगली कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप भूलना नहीं हमारा लाइफ टाइम स्टोरी यूट्यूब चैनल
सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और सुने। इसी के साथ नमस्कार।